अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा ये गार्डन। यहाँ पे गार्डनिंग करने आए हैं और हम जो चाचा भतीजा और ये जहरान, और हम यहाँ पे आज अपने जो है ये आपको दिखाते हैं गार्डन। यहाँ पे सब्ज़ी, फ्रूट वग़ैरह के दरख्त, वो सारा कुछ आपको दिखाएँगे। और इसमें आज हम करने वाले हैं आबाशी का जो पानी का सिस्टम है, उनको आज पानी दिया जा रहा है और साथ साथ इनका स्प्रे वगैरह और साथ में खाद वगैरह इसको हम देंगे। तो यहाँ पे पूरा निज़ाम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास ये आपाशी का जो सिस्टम है हमारा इस गार्डन में, वो है दो तरह के यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है। एक ये सोलर सिस्टम पे आप देख सकते हैं लगे हुए हैं, इसके साथ ये दो शीशे और साथ में ये देखें यहाँ पर बोर है ये लगा हुआ है। यानी कि पानी का जो सिस्टम है, पानी का जो निज़ाम है, वो बिल्कुल यहाँ पे ज़बरदस्त है। ये देखिए जी, पानी का प्रेशर आप चेक करें। सब्ज़ी के, यानी कि आजकल जो है सब्ज़ी का मौसम है, यानी हर तरह के सब्ज़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, पूरा कुछ आपको दिखाएंगे। और साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं, और दूसरा पानी का जो सिस्टम है, पानी का जो निज़ाम है, वो है हमारा बिजली वाला सिस्टम है। इसका भी प्रेशर काफ़ी प्रेशर है, ये मिज़ाइल सिस्टम है पानी का। तो गाइज़ यहाँ पे ये देखे जी, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि ये बैंगन के फसल है। तो आज जो है यहाँ से हमने तोड़े हैं अपने घर के लिए पकाने के लिए, वो तो लेके गए, लेकिन इसमें दिखा देता हूँ आपको मज़ीद जो है यहाँ पे जी देखें, बैंगन के अलावा जी ये हरी मिर्च, ये देख सकते हैं ये हरी मिर्च, और साथ में ये टमाटर। टमाटर अभी कच्चे हैं, ये जी देखें टमाटर के फसल अभी कच्चे हैं बिल्कुल। तो इससे ये फालतू किस्म के ये कुरट, इसको हम बोलते हैं कुरट का बूटा, ये इसको उतार देते हैं। ये साग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आज इसके हम पूरा जो है वो सफाई वगैरह करने वाले हैं। ये भिंडी यहाँ से अभी हमने तोड़े हैं, ये पीछे ये भिंडी का फसल था, ये जी देखे ताज़े ताज़े भिंडी, बिल्कुल कच्चे और बिल्कुल फ्रेश। ये जी देखें टेंडा, इसका इस तरह ये देखें जी, ये फूल होता है इस तरह, ये निकलता है, फिर इस तरह ये टेंडा बन जाता है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश। इसका इस तरह बड़े बड़े फूल होते हैं। इसका साग भी बड़ा मज़ेदार होता है, इससे साग भी पकाए जाते हैं इस टेंडे के। हाँ जी, पिछले दिनों हमने पकाया था इसका साग चावल के साथ, बड़ा ख़ूबसूरत जो है उसका अपना ये कम्बिनेशन बन जाता है, बड़ा अच्छा। तो ये देखिए जी, ये यहाँ पे पौधे जो इसके अनार के हैं ये, और ये अमरूद जी, ये अनार, और साथ साथ जो है यहाँ पे बेर, और इसके अलावा माल्टे, और इसके अलावा आलूचा, खुबानी, यानी कि पूरा कुछ जो है यहाँ पे हमने उगाए हुए हैं। यहाँ पर हमारा ये गार्डनिंग का सिस्टम है, हमारा ये घर के अंदर ही गार्डन। हाँ जी, वालेकुम सलाम, संगत चल रहे। तो ये आज हम चाचा भतीजा जो है बड़े गरम गरम इसमें जो है घूम रहे हैं, और ये भिंडी को पानी दिया जा रहा है। हाँ जी, क्या पोजीशन है? बस पोजीशन फिलहाल ख़राब है। हाँ जी, हम लोग गंदम की कटाई, हाँ, गंदम के पीछे लगा हुआ था। हाँ, तो अभी तक फारिग नहीं थे ना, इस वजह से ये देख सकते हैं ये बिल्कुल मुरझा गए हैं। मुरझा गए हैं, इसका भी उसमें खाद डालेंगे अभी। हाँ जी, तो इंशाल्लाह दो तीन दिन इसमें अभी लगाएंगे। सही सही, तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो है तो वो आपको दिखाएंगे, वो बिल्कुल 10-15 दिन के बाद इसका व्यू आपको चेक कराएंगे, इसमें आप फिर इसका फ़र्क बता दें। अभी क्या ये देखें सिस्टम, और एक हफ्ते के बाद जो है इसका पोजीशन आप देखें कि यार क्या इसमें अभी खाद और मसनू खाद दोनों डालेंगे। तो ये जी देखें आलूचा का, खुबानी का, और साथ साथ लोकाट, और उसका क्या कहते हैं इसका शलतालू, वो जी ये देखें जी काफ़ी मुरझाए गए हैं। ये है जी पेटा, यानी कि वो बड़ा कद्दू जो होता है उसका बूटा, ये काफ़ी मुरझा गए हैं। तो इंशाल्लाह इसका पूरा जो है आज, ये देखें जी फूल से भरे हुए हैं। जैतून का दरख्त आप चेक करें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। तो ये जी अपना खेती बाड़ी, तो ये पीछे हमारा घर है उस साइड पे,
तो ये गाय भैंस का जो है वो हमारा वो जगह है, तो यहीं से सिस्टम होता है, खाद यहीं से निकाले जाते हैं, फिर इसी खाद को इस ज़मीन पे हम डालते हैं ताकि इसकी जो है नशोनुमा में वो बेहतरी आए। तो माशाल्लाह जी ये देखें, ये हमारे गाय है, थोड़ा नस्ली फार्मी गाय जो इसको क्रॉस फार्मी बोलते हैं, और एक ये है, और ये जी बैंस, और जी एक ये एक यहाँ पर है, ये जी गाय भैंस का जगह है, तो ये पानी का सिस्टम है इनका, ये यहाँ पे पानी पिया जाता है, यहाँ पर भी ये ताज़ा ताज़ा पानी यहाँ पे इनको मिलता है, और इसमें जो है इनको चारा डाला जाता है, ये देखिए जी इसमें चारा। तो गर्मियों में यहाँ पे इसको इनको बांधा जाता है, रात को यहाँ पे बाहर होते हैं, और रात को जो है वो बारिश तूफ़ान में यहाँ पे ये अंदर वाली साइड पे होते हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरह का निज़ाम है, गोबर वगैरह वो इसी खिड़की से जो है बाहर की तरफ या गार्डन की तरफ ये फेंका जाता है। यदि माशाल्लाह ये देखे, यहाँ पे काफ़ी सारा जो है ये गोबर स्टोर हुआ है, इसको कुछ यहाँ पे इसी ज़मीन में डालेंगे, कुछ को जो है अपने खेतों की तरफ वो मूव कर लेंगे। ये देखिए जी इस तरह ये खाद बेलचे से ये हाथ गाड़ी में डाल के इसको मज़ीद जो है वो डाला जाएगा अपना सब्ज़ी दरख्तों में। तो इसको इस तरह ये हाथ गाड़ी में लेके आते हैं खाद, और इस तरह ये भिंडी को हम डाल रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी जो है पूरी मुकम्मल सफाई वगैरह वो हो जाएगा, ये दरख्तों के जो इसमें जड़े वगैरह उसको उनको साफ़ किया जा रहा है, साथ में जो है इसको पानी भी लगाया गया, और उसके साथ साथ जो है खाद भी डाला जा रहा है, और साथ में जो है इसका स्प्रे भी होगा। तो ये इंशाल्लाह ये हमारा 3 दिन का ये हमारा आज का ये प्रोजेक्ट है आज ये पानी करान। तो ये जहरान है, कभी हमारे लिए चाय लेके आ रहा है, कभी पानी लेके आ रहा है, और बस हल्का फुल्का काम ये भी कर रहा है हमारे साथ, इस प्रोजेक्ट में ये शामिल है। तो साथ में हम चाचा भतीजा और साथ में वो अहमद, ये काफ़ी टाइम हम फारिग नहीं थे, तो इस वजह से ये पूरा जंगल बन गया, पूरे जो हमारा सब्ज़ी था उनको दबा दिया, क्योंकि हम अपने अपना गंदम की फसल से जो मसरूफ़ थे, उनका थ्रेशर उनकी कटिंग वगैरह उसमें मसरूफ़ थे, तो आज से जो है इंशाल्लाह फारिग हो गए। तो हमारा ये 3 दिन का इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं घोड़ी। ये देखो जी घोड़ी इस तरह का होता है, ये फालतू घास इसमें से ये बीच में से ये निकल जाएगा, तो ये इसका जो है नशोनुमा में इसको काफ़ी जो है हेल्प मिलती है, उसकी मदद मिलती है। तो जी फाइनली इस वक्त ये मरहला शुरू होता है स्प्रे का, ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये स्प्रे रेडी हो रहा है, पंप को जो है वो भरा गया है पानी से, कीड़े मार दवाई जो सब्जियों के लिए इस्तेमाल होता है, सब्जियों की नशोनुमा के लिए और कीड़े मकोड़ों के लिए ये। तो जनाब ये देख सकते हैं, ये है खानदानी कामचोर बंदा है ये, जो लगे हुए हैं अभी उस काम से, वहाँ से जो है काम चोरी करके यहाँ पे आया हुआ है, अभी यहाँ पे जो है अपना टाइम पास कर रहा है। मुझे भूख नहीं है, थोड़ा सा खाना दे दो। अच्छा, 32 रोटी और एक तरामी दाल। अच्छा, इसको खिलाया तो कहते दिल बंद है, खाने को दिल नहीं करता। अच्छा, वो क्या कहते हैं उसको, ना काम का ना काज का, ना काम दुश्मन, का ना काज का दुश्मन, अनाज का। तो ये अनाज का दुश्मन है, कामचोर, खानदानी कामचोर। ये जिया साहब की मेहरबानी है। अच्छा, जब उसने अफगानियों को आने दिया ना, तो हमारे ऊपर गंदम आराम हो गया। तो ये कह रहा है कि आप जो है इस तरह यहाँ पे ये सख्त काम मुझसे करवा रहे हैं। मैंने कहा बेटा ऐसा है ना कि सख्ती बर्दाश्त करोगे उसके बाद जो है ना वो आप मज़े करोगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं इस वक्त हम यहाँ पे, हमारे ऊपर सख्ती है, लेकिन जैसा कि आपको पता है जिस तरह महंगाई चल रही है और सब्ज़ी हमारा जो है डेली रूटीन के हिसाब से, सब्ज़ी जब हमारा यहाँ नहीं था तो उस वक्त तकरीबन 1500 से 1800 तक, मतलब 2000 तक का सब्ज़ी हमारा दो टाइम के लिए आता था। तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है क्या कहते हैं मेहनत की, तो मेहनत का सिला यही अभी हमें मिलने वाला है। यहाँ पे अभी सब्ज़ियाँ शुरू हो गई है, टमाटर भी अभी डेली के हिसाब से यहाँ से हम ये सब कुछ जो है वो ताज़ा ताज़ा लेके उस टाइम पे जो है वो पकाए जाते हैं। तो कहने का मकसद यह था कि पहले जो है वो सख्तियाँ जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसके बाद जो है फिर आपको राहत और सुकून वाली जो है वो उसकी जो है वो फल मिलने लगता है, उस मेहनत का फल, उस मेहनत का जो है वो सिला आपको मिलने लगता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। इजाजत चाहता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।